हमारा एग्जाम एमसीक्यू होगा कि थ्योरी होगा? तुम लोग का एग्जाम होगा एमसीक्यू, जो तुम्हारा हॉल टिकट है उसमें लिखा हुआ है कि ये वाला जो एग्जाम है तो वो तुम्हारा एमसीक्यू होने वाला है। हाँ जी सर प्लीज जल्दी से वीडियो अपलोड करिए ना, हमारा परसों एग्जाम हाँ है। हाँ उसकी ही शूटिंग कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ मैं। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है मंथन मिश्रा। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं BEVAE 181 का ब्लॉक सेकेंड। आई होप कि आपको पहले वाला ब्लॉक समझ आया होगा, ब्लॉक 1, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि 2-3 ब्लॉक सारे कवर कर दें। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू होगा कि थ्योरी होगा। मैंने पढ़ा, मुझे एक मेरे जूनियर ने शेयर किया, उसका नाम प्रभाकर है, जो आपका एग्ज़ाम डेट शीट जो है जिसमें सब चीज़ लिखा रहता है कि किसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला एग्ज़ाम स्पेसिफिकली एमसीक्यू होगा। आपको एक OMR शीट दिए जाएगी, तो आपको उसमें टिक 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 मतलब उसमें गोल 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 बनाना होता है, ठीक है। अब आपको बस सुनना है, ठीक है, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना ज़्यादा सुन सकते हो उतनी ज़्यादा सुनो, क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ोगे उस चीज़ को तो आपके दिमाग में वो ब्लिंक होगा और वहाँ पे आप उसको टिक लगा दोगे, है ना, कि ये है इसका आंसर। इसकी टेंशन ना लो कि वीडियो बड़ी है कि छोटी है, बस सुनो जिससे कि आपको दिमाग में एक आइडिया आ जाए। हम शुरू करते हैं ब्लॉक 2। लेट मी कॉल माई सिस्टर मीनल मिश्रा, जो कि बायो की टीचर है, साइंस की टीचर है, जो आपको बताएगी, आपको पढ़ाएगी और आपको ऐसा पढ़ाएगी कि आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा। लेट्स गो। ब्लॉक 2, एक्शन। हाय, माय नेम इज़ मीनल मिश्रा एंड आई एम मंथन सिस्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ब्लॉक 2, व्हिच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। इन दिस वी विल स्टडी 4 यूनिट्स, व्हिच इज़ द फर्स्ट वन इज़ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, सेकेंड इज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, थर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज एंड सर्विसेज, एंड फोर्थ इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल मीन्स नेचर, प्रकृति, और रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, ठीक है। तो जो भी हमें, जो भी संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हो, हम उसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है, हम उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम विल स्टडी द फर्स्ट यूनिट, व्हिच इज़ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज? लैंड मतलब कि ज़मीन, और वाटर मीन्स पानी, राइट। सो लैंड से हमें जो जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसको हम लैंड रिसोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक लैंड पे हम रहते हैं, हम वहीं उसी से, उसी में उगा के खाना खा रहे हैं, तो ठीक है। तो दीज आर द रिसोर्सेज। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ ऑन लैंड ओनली, सो लैंड इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। एंड फॉर वाटर वी गेट लाइक फिश एज इन फूड, वाटर एंड लाइक पानी, प्यास के लिए, प्यास लगती है भाई, प्यास बुझती है हमारी, ठीक है। तो वाटर, फ्रॉम दैट वाटर वी ऑल्सो डू लॉन्ड्री, राइट, एंड वॉश यूटेंसिल्स एंड बेथ, एवरीथिंग, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टार्ट करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? रिन्यूएबल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, कि कोई भी कुछ समझना है ना, जस्ट ब्रेक इट डाउन, जस्ट ब्रेक इट डाउन, यू विल अंडरस्टैंड दिस ईजीली, राइट। सो रीन्यूएबल, री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया, ठीक है, और एबल मतलब हो जाना, राइट, उसके पास एबिलिटी है उसकी। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसके पास एबिलिटी हो दोबारा से नया हो जाने की। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सन की, ठीक है। तो सन इज़ अ कॉन्टिन्यूस, लाइक वो हमें हमेशा दे रहा है अपना एनर्जी, राइट, वो हमें हीट प्रोवाइड करता है। अगर उस सन नहीं होगा तो विल बी कवर्ड इन लाइक आइस ओनली, बहुत ठंडा हो जाएगा हमारा पूरा अर्थ, राइट। तो सन इज़ वेरी नेसेसरी। सोलर एनर्जी ये जो है हम रीन्यू होते रहता है, हमेशा बनता रहता है, और वी यूज़ इट देन दोबारा बन जाता है। प्लांट्स, प्लांट्स का अगर हम देखें अभी मैंगो सीजन है, राइट, मैंगो हमने खाया, अब अगले सीजन दोबारा मैंगो आएगा। सो दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। नॉन रीन्यूएबल मतलब जो एबिलिटी रख, जो रिसोर्सेज जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो रिन्यू नहीं हो सकते, वो दोबारा नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, राइट, पेट्रोल का एक सेट क्वांटिटी है, वो लिटरली उसको मिलियन ईयर्स लगते हैं बनने के लिए। कोल,
पेट्रोल डीजल ये सब के लिए. तो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम यूज़ करते हैं पेट्रोल और फिर गायब हो जाता है. अब ये मत बोलेगा कि अब दोबारा हम जाके दोबारा भरवा लेते हैं, बट नो, उसका एक रिसोर्स जो उसका जो स्रोत है वो बहुत कम है, राइट? तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी आर स्टडिंग वाटर साइकिल. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस वाटर साइकिल इन ब्लॉक वन इन माई प्रीवियस वीडियो. सो इसमें हम थोड़ा और एलैबोरेट करके पढ़ेंगे. वाटर साइकिल हमने पढ़ा था कि हमारा जो वाटरवे जो हमारा मान लीजिए ओशन है, रिवर है, यहाँ से वाटर हीट के थ्रू, सन की हीट के थ्रू वाटर वेपर बना. वाटर वेपर बन के फिर वहाँ कूल डाउन हुआ और फिर बारिश होके फिर बरस गया, राइट? सो दिस वाज द वाटर साइकिल. अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इन सारे प्रोसेसेस को अलग अलग क्या नाम बोलते हैं, ठीक है? तो हम नंबर वन सबसे ईजी वाला से स्टार्ट करते हैं. जब हमारा सन की हीट के थ्रू वाटर जो है हमारा वाटर वेपर मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन. अब जब ऊपर अब चला गया वाटर वेपर, वहाँ वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है? कूल डाउन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. तो द वाटर वेपर विच कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, वहाँ पे उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. वहाँ पे वो कूल डाउन होके जब कंडेंसेशन होके अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब उसको रेन के थ्रू बरसने का है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. कोई भी फॉर्म, रेन या फिर हेल स्टॉर्म, स्टॉर्म इज ओला, ठीक है, और स्नो, तो कोई भी फॉर्म में स्नो हो, हेल हो या फिर हमारा वाटर के फॉर्म में, जब हमारा वाटर वेपर कूल्ड सॉरी वाटर लिक्विड जो भी है वो हमारा फॉल डाउन होता है टू द वाटर रिसोर्स और टू द लैंड, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. अंडरस्टूड? प्रेसिपिटेशन. इट माइट पॉसिबल कि हम बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे हो, वहाँ पे बारिश होए, तो हमारा वहाँ पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो आइस में जो कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं द लिक्विड वाटर लिक्विड विच कन्वर्ट इन द सॉलिड आइस, दैट्स कॉल्ड डीपोजिशन, ठीक है? DEPOSITION, डीपोजिशन. अब बारिश हमारा नीचे आ गया है, हमारा बारिश पड़ रहा है, तो बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे रिवर्स होते हैं या फिर रिवर्स नहीं भी होते हैं, एक स्लोपी एरिया होता है. फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए हम बात कर रहे हैं खेत की, ठीक है? खेत में बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशियस सॉइल होता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा सॉइल होता है फॉर द हार्वेस्टिंग, राइट? अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो सॉइल में लेयर्स होते हैं. हमने बचपन में बहुत सारा पढ़ा होगा कि लेयर्स, ये वाले को ये कहते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है? जो टॉप मोस्ट लेयर होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, ठीक है? तो अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो वो जो सॉइल होता है, वो सॉइल टॉप लेयर वो हट जाता है और रिवर के थ्रू चला, रिवर अगर बाजू में तो रिवर के थ्रू चला गया या फिर कोई लैंड है, तो इससे क्या होता है, हमारी उपजाऊ उस ज़मीन की उपजता वो कम हो जाती है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रन ऑफ, मतलब जो ऊपर सॉइल की लेयर थी वो रन बाहर गई, भाग गई, ठीक है? जिससे सॉइल इरोशन होता है, ठीक है? सॉइल इरोशन मतलब कि जो सॉइल है, जो ऊपर की जो सॉइल लेयर है वो सॉइल हट गई. अब सॉइल हट गई तो फिर हम कैसे उगाएंगे अच्छी फसल, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड रन ऑफ. हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके लीव्स में हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा होता है, वहाँ से वो लोग लेते, वो क्या बोलते हैं, सांस लेते हैं, दिस एंड दैट. तो वहाँ से एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, जिसमें से वो अगर जितना उन्होंने पानी रूट से लिया, यूज़ कर लिया, अब ज़्यादा हो गया, इतना नहीं चाहिए अपने को, तो वो क्या करते हैं, वाटर वेपर के थ्रू ट्रांसपिरेशन कर देते हैं. कहाँ से? स्टोमेटा से बाहर निकाल देते हैं. तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है? ये सारे प्रोसेसेस के जो नाम हैं आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए. अब दो नाम और हैं, वैसे भी आपका MCQ है, बस आप बस सुनिए ध्यान से, ठीक है? और कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट, ओके? हाँ, तो हम बात कर रहे थे दो और प्रोसेसेस की. हमने हमेशा से पढ़ा है कि वाटर जो है लिक्विड से जब वाटर वेपर बनता है तो उसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है? फिर या तो हम वाटर से हम फ्रीज़र में डालते हैं और वो आइस बन जाता है, बट जब हमारा वाटर वेपर डायरेक्ट आइस बन जाए तो उसको बोलते हैं हम
डिपोजिशन, ठीक है। जब हमारा वाटर वेपर डायरेक्ट आइस बन जाए तो उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, और इसी का उल्टा सब्लिमेशन, जब हमारा जो आइस है वो डायरेक्ट वाटर वेपर बन जाए दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। ये नेचुरल हवा में नहीं होता है, इट रिक्वायर्स सम प्रोसेसेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ये वाटर साइकिल के अंदर, वाटर साइकिल वी डिड इट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वाटर, मतलब हमें कितने टाइप्स ऑफ वाटर इन आर अर्थ मिलते हैं। हमने ये लास्ट ब्लॉक में भी पढ़ा था, 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है हमारे वाटर के। 1 इज फ्रेश वाटर, 2 इज मराइन वाटर, एंड 3 इज ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर विच इज़ नॉट सलाइन, खारा पानी नहीं होता जो हम पी सकते हैं, एंड लाइक पॉन्ड्स रिवर्स ये सब जो जिसमें पानी होता है दैट्स फ्रेश वाटर, ठीक है। मरीन वाटर जो सी या ओशन में सलाइन वाटर होता है, अच्छा सलाइन SALIN, इंग्लिश में खारा पानी को, खारा को हम सलाइन बोलते हैं, राइट, सलाइन या फिर सॉल्टी वाटर, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सलाइन वाटर जो हमें कहाँ मिलता है, मरीन वाटर में, जहाँ पे हमारा फ्रेश वाटर और मराइन वाटर जहाँ पे मीट करता है देन इट इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज एस्चुरीज। यहाँ पर आपको एकदम लाइट सॉल्टी वाटर मिलेगा, राइट, हाई सॉल्टी वाटर सेलिनिटी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। आर नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सो हमने पढ़ा कि रन ऑफ क्या होता है, राइट, तो हमारे जो वाटर होता है वो नीचे जाके ग्राउंड वाटर में भी स्टोर होता है। हमने ये देखा है कि हम लोग एकदम डीप डिग करते हैं, और एकदम क्या चीज़ के लिए, हैंड पंप्स के लिए, ठीक है, ताकि हम ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर नीचे कैसे पहुंचता है, तो वो हमारा रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, उससे बीच बीच से पानी वहाँ जाकर वो हमारा वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, राइट। तो दैट फॉर्म्स द ग्राउंड वाटर का सोर्स, ठीक है, ग्राउंड वाटर दैट फॉर्म्स ग्राउंड वाटर। अब ऐसा भी है कि अगर बहुत सिर्फ रॉक्स वाला एरिया है, और रॉक्स मोस्टली रॉक्स से ही एकदम फ्रेश वाटर, बेसिकली हमारा जो वाटर है एकदम अच्छे फॉर्म में नीचे पहुंच जाता है। द लेयर ऑफ रॉक्स थ्रू विच द वाटर पर्क्यूलेट्स डाउन, द वाटर गोज डाउन, दैट्स कॉल्ड द एक्विफर, AQUIFER, एक्विफर, ठीक है। अब जो हमारा एक रीजन होता है, ठीक है, हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर में हम बस ऐसे दिखाते हैं ना कि हाँ बस पानी भरा हुआ है उस एरिया में, बट नहीं, एक दो रीजन्स हम मेनली हम डिवाइड करते हैं ग्राउंड वाटर में, एक होता है जोन ऑफ एरेशन और एक होता है जोन ऑफ सैचुरेशन। तो जोन ऑफ एरेशन में हमारा जो वाटर है और सॉइल है, वाटर का पार्ट, वाटर है और सॉइल पार्टिकल्स जो है वो सारा मिक्स होता है, बट जो जोन ऑफ सैचुरेशन में सिर्फ वाटर वाटर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये दो जोन्स हम याद रखेंगे। हमने टॉपिक का नाम बोला ओवर एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट डज इट मीन, ओवर मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमने कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को एक्सप्लॉयट कर दिया है, ख़राब मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कि अगर वन हैंड पंप से हमें बहुत ज़्यादा वाटर निकालना, वाटर हमें यूसेज हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वेल्स बोलते हैं ना कि कुएं, वो वाला कुआं सूख गया, वो सूख गया, कैसे, क्योंकि ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया, हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है कि वो ग्राउंड वाटर इज़ डिप्लीटिंग, राइट, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, एक्सप्लॉयट कर लिया, दैट्स कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स वी डिड फॉर ग्राउंड वाटर। डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लाइक हाउ द वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग, इट्स गॉन, लाइक, तो कैसे हम कुछ ज़्यादा ही इंडस्ट्रीज़ में यूज़, अब एक सेकेंड, इंडस्ट्री से याद आया, यमुना, भाई दिल्ली का यमुना कितना बुरा हाल में है, आप ये देखिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन गया है, वो सारा अपना वाटर उसी रिवर से ही लेती है, और अपना कचरा भी रिवर में ही डाल रही होती है। तो रिवर, तो इट्स नॉट फॉर हेल्दी फॉर अस टू ड्रिंक, और बेचारे जो उसमें जो एनिमल्स रह रहे वो तो राम राम हो ही रहे हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमने कुछ ज़्यादा ही, अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली हम लोग को ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा एरिया चाहिए होगा। हमने फॉरेस्ट काटना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट, हमें हमेशा बोला गया है कि फॉरेस्ट प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर रेन, राइट, अब वो हो ही नहीं रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है तो खाना भी तो खिलाएंगे,
तो हमने इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर दिया है. नेक्स्ट इज फ्लड एंड ड्रॉट्स. फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना. ठीक है, तो जो फ्लड से सबसे ज़्यादा सफ़र करता है दैट कंट्री इज़ बांग्लादेश. हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्लड्स? ठीक है, तो वी कैन बिल्ड कैनाल्स एंड रिजर्वॉयर जहाँ पर भी हमारा मोस्ट प्रोन है एरिया फॉर द फ्लड. दूसरा क्या है कि हम जो बैंक्स है, बेसिकली ओशन और रिवर्स के जो किनारे हैं, हम उसको बहुत अच्छे से बनाएं. फॉर एग्जांपल हम मरीन ड्राइव में देखते हैं, तो मरीन ड्राइव मुंबई, तो मरीन ड्राइव में हम देखते हैं कितना अच्छे तरीके से उन लोगों ने रॉक्स ट्राइंगल, नॉट ट्राइंगल और डिफरेंट काइंड शेप्ड रॉक्स उन लोगों ने कर रखा है बैंक, ताकि वो जो उसका इफेक्ट है फॉर द वेव्स का जो इफेक्ट है, फ्लड का जो इफेक्ट है, वो कम हो जाए. एंड द बेस्ट प्रिवेंशन वुड बी प्लांट ट्रीज. ट्रीज प्लांट कीजिए, सॉइल को वो बांध के रखेगा, एंड कोई भी फ्लड अगर आने वाला होगा तो उसका स्टॉप कर देगा, उसको स्लो डाउन कर देगा, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल. ड्रॉट की बात करें, इंडिया में हमारे सबसे ज़्यादा ड्रॉट एरिया क्या होगा? राजस्थान है. ठीक है, तो ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट के वजह से हमारा जो पूरा लैंड एरिया पूरा ड्राई पड़ जाता है. लैंड में आपने देखा होगा कि लैंड में एकदम जब हमारी स्किन सूख जाती है तो हमारी एकदम स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, तो एकदम फट जाती है ना, तो लैंड तक फट जाता है, इतना ड्राइनेस फैल जाता है. ड्रॉट से हम देखा जाए तो ड्रॉट से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं. एक तो हमारा खुद का इंसान का तो नुकसान हो गए कि पानी पानी की तरह ही मच गई है, तो इकोनॉमिक हमारे को जो हमारा हम अपना एग्रीकल्चर कर रहे थे उससे हमारा एग्रीकल्चर नहीं होगा. पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा, तो इकोनॉमिक तो हमारी गई तो गई. सोशल हमारा हेल्थ हो गया, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, तो ये सब हम सोशल में डालेंगे इसको. और जो हमारा इन्वायरमेंट, तो हमारा बेचारे फॉरेस्ट जो उसके वहाँ जो प्लांट्स या एनिमल्स आते हैं वो तो फिर गया, सॉइल भी इतना बेचारा ख़राब वराब हो जाएगा, तो ये सब हमारा इन्वायरमेंट के अंदर आता है. ओके, सो फॉर हम इन सब को कैसे हम ये ड्रॉट से कैसे बच सकते हैं, तो हम रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और ये राष्ट्रपति भवन में भी हमारा रेन हार्वेस्टिंग का प्लांट लगा हुआ है. सो इसमें क्या करना है, छत है, छत में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रेन वाटर कलेक्ट होगा रेनी सीजन में, वो हम डाल के ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड में एक टैंक बना के उसको हम वहाँ पे स्टोर कर देंगे फॉर द ड्रॉट सीजन, फॉर द समर सीज़न, ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें अच्छे अमाउंट में, और हमारे को प्रॉब्लम भी ना. लेट्स स्टडी अबाउट नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज. अब सबसे मैंने अभी अभी बताया कि जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, दैट्स वेरी फर्टाइल, राइट, दैट्स वेरी उपजाऊ. तो अगर वो एक बार गई तो फॉर्मेशन होने में इट विल टेक लाइक बहुत ज़्यादा टाइम. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल्स लैंड रिसोर्स. ठीक है, अब लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वी फाउंड इन इंडिया. सो आई जस्ट नेम द सॉइल. ओके, तो फर्स्ट इज़ द रेड सॉइल विच वी फाउंड इन बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट इज़ हमारा लोमी एंड ब्लैक सॉइल. तो लोमी एंड ब्लैक सॉइल विच इज़ फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ इस मैं मेरे को हमेशा से याद है कि द कॉटन वाइट होता है और ये ब्लैक सॉइल में उगता है, तो सो आई रिमेंबर दिस. ओके, सो कॉटन, राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब हमारे लोमी एंड ब्लैक सॉइल में. रेड सॉइल में आई फॉरगॉट टू टेल यू, पोटैटोस, बनानास, पाइनएप्पल्स और रबर हम उसमें उसकी खेती करते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल ऑफ डेजर्ट रीजन. डेजर्ट से पता चल रहा है हमारा, तो ये हमारे राजस्थान साइड में होगा, और ये भी एरिया जो है हमारा फर्टाइल पाया जाता है जब हम वाटर उसको ज़्यादा देते हैं, तो दैट्स फर्टाइल. नेक्स्ट सॉइल है हमारा जो लोमी टेक्सचर का ही होता है एंड ड्राई कॉम्पोजिशन का होता है, विच इज़ मेनली फाउंड इन बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड गुजरात, और यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स हमारे हाईली प्रोडक्टिव होते हैं. नेक्स्ट है हमारा ग्रे टू पेल येलो ब्राउन सॉइल, विच इज़ फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ हिमालयन रीजन्स, और ये हिमालय में आप खुद सोचिए कौन से टाइप ऑफ प्लांट मिलते हैं, कोनीफर्स प्लांट, जिसकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप्ड की जो हमारी लीव्स होती है, इफ़ यू रिमेंबर. सो या,
दैट कोनीफर प्लांट्स, ओक और ये सब हमारे पाइन्स एंड ड्योरार हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, अब वील स्टडी द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में हम वेदरिंग पढ़ते हैं. हमने प्राइमरी सक्सेशन, इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट चैप्टर, हमने प्राइमरी सक्सेशन में पढ़ा था. तो मैंने बोला था कि वेदरिंग होती है, सॉइल फॉर्मेशन होता है कैसे. तो हमारा जो रॉक है, ठीक है, रॉक इतना टेम्परेचर जो कभी एकदम गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, तो इस टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से हमारा जो रॉक होता है उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट होते हैं. धीरे धीरे वो फिर हमारा सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स और समथिंग लाइक दैट, दैट्स कॉल्ड वेदरिंग. ठीक है, तो ये फिजिकल वेदरिंग, हम इसके अंदर दो टाइप ऑफ वेदरिंग पढ़ते हैं, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग इज लाइक फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा हेल स्ट्रॉम हो गया, या फिर ड्रेन हो गया. तो ये सब पड़ा जिसके वजह से हमारे सॉइल पे इफेक्ट पड़ा और सॉइल स्टार्टेड टू वेदर. ठीक है, हमारा सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. तो दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग. नेक्स्ट इज़ हमारा केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग फॉर एग्जाम्पल हमारा एसिड रेन हो गया. ठीक है, एसिड रेन हुआ जिसके वजह से जो केमिकल्स थे हमारे, वो उसके वेदरिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रॉक्स की वेदरिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट कम्स अंडर केमिकल वेदरिंग. करेक्ट, ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन. ये दोनों ही बहुत ही सिमिलर टर्म्स हैं, तो एक बार को ध्यान से समझेंगे. ठीक है, मान लेते हैं जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे जब प्लांट से एनिमल डेथ हो जाती है, या फिर डेथ भी नहीं होती है, हमारा जो लीव्स गिर रहा होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना एक जगह कलेक्ट करके ना इसको गड्ढे पे डाल दो, तो इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा और वो सॉइल जो होगी वो फर्टाइल हो जाएगी. तो ये जो प्रोसेस होता है, जो फर्टाइल हो जाने का प्रोसेस होता है, ये इसको बोलते हैं हम ह्यूमिफिकेशन. मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो डेड एनिमल या प्लांट का जो रेसिड्यू है वो हमारा डिकम्पोज होता है. तो जो डिकम्पोजिशन होता है, तो वहाँ पे एक सॉइल और एक बहुत अच्छा मिनरल्स का मिक्सचर बन जाता है, जो हेल्पफुल होता है फॉर फर्दर अच्छा ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स, राइट. तो दैट्स द सॉइल और उसका जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं ह्यूमस. ठीक है, तो दिस द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन. और जो हमारा डेड ऑर्गेनिज्म और जो प्लांट के अंदर से जो मिनरल्स हमारा सॉइल में गया, ये जो सॉइल में गया, इस इज़ कॉल्ड मिनरलाइजेशन. अंडरस्टूड? या दैट्स ऑल. चेंजेस कॉज बाय एग्रीकल्चर एंड ओवरग्रेसिंग. खुद सोचिए, एग्रीकल्चर अब क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को काट काट के हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इज़ इट गुड? वहाँ पर भी तो स्पीशीज़ कितनी सारी रह रही थी, हमने पूरा उनका घर, उनका हैबिटेट, होम पूरा ख़राब कर दिया, तो वो रहेंगे कहाँ? तो एग्रीकल्चर, ओवरग्रेसिंग. अब कोई एरिया ऑफ लैंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉरेस्ट का एरिया ऑफ लैंड है, वहाँ पे हमने अपनी गाय भेड़ जो भी है उस सबको खूब चराया. इससे क्या हुआ, बेचारा घास का तो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया उस एरिया से, वो जो घास उग रही थी. तो ओवरग्रेजिंग और एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, हम लोग का स्पीशीज़ उसका, उनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का ख़त्म होना. अब लैंड कैसे ख़त्म हो सकता है, कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए फ्लड आया, उसमें हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट रिवर बन गया, लैंड ख़त्म हुआ, हम वहाँ पे अब रह नहीं सकते, राइट. दूसरा है हमारा लैंडस्लाइड हो गया, तो अब वो एरिया में अब लैंड ही नहीं रहा, तो हम रहेंगे कैसे. दूसरा अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो. नेक्स्ट इज सॉइल इरोशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टॉप मोस्ट लेयर गोज ऑफ रन ऑफ लाइक दैट सॉइल इरोशन. तो इसको रोकने के लिए वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि इससे क्या होगा, सॉइल जो है हमारा, जो रूट्स है वो हमारे सॉइल को जकड़ के रखेगा, जिसके वजह से सॉइल इरोशन, अगर फ्लड भी आएगा तो सॉइल इरोशन नहीं होगा, या फिर हवा चलेगी तो एकदम धूला नई आँख में लगेगा. खुद सोच के देखिए, अभी मान लीजिए कोई एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ प्लांट ही नहीं है, हवा चलती है तो पूरा आँख में लगता है ना कचरा. अब फॉरेस्ट के एरिया में आपका हवा चलता है तो फिर नहीं लगता है धूला. तो दैट्स वाई, दैट्स द थिंग, सॉइल इरोशन को हम बचाने के लिए जस्ट प्लांट ट्रीज. सो लेट्स स्टार्ट विथ आर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेस. ओके, फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, दैट कम्स अंडर फॉरेस्ट रिसोर्सेस. रुक दे एक बार यार. सो
सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेस्ट रिसोर्स. सो आर नेक्स्ट यूनिट इज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स फॉर एवरीथिंग, फॉर फूड, फॉर लाइक ऑक्सीजन, फॉर लिविंग, फॉर लाइक एवरीथिंग. फॉरेस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स. द कैटेगरीज इन विच वी डिवाइड फॉरेस्ट, लाइक फॉरेस्ट रिसोर्सेज, आर लाइक इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और हमारा तीसरा होता है सोशल. मतलब कि हम फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. तो इकोनॉमिक से हम क्या कह सकते हैं, हमें वहाँ से फूड मिलता है, ठीक है, फूड हो गया. फोडर, फोडर यहाँ पे फोडर का मतलब होता है जो भी हम अपने एनिमल्स को, जो भी हम अपने रूमिनेंट्स को, मतलब गाय भैंस इन सबको जब हम खाने के लिए देते हैं उसको हम फोडर बोलते हैं, ठीक है. तो फूड ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फोडर. तो हमारे को फूड मिलता है, फोडर मिलता है. इकोलॉजिकल में हमारे सारे फॉरेस्ट जो फंक्शन करता है उसको हम कंसिडर करते हैं, लाइक ऑक्सीजन फॉर्मेशन करता है हमारा, और एवरी साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी फॉरेस्ट आर रेगुलेटिंग. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज और डिक्रीज से हमारा क्लाइमेट चेंजेस भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है. इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के कैटेगरी में हमारे ये वाले फॉरेस्ट रिसोर्सेज आते हैं. एंड द लास्ट इज सोशल सिग्निफिकेंस. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सोशल सिग्निफिकेंस, मतलब हमारे लिए लाइक लिविंग, हम लोग को रहने के लिए जगह दे रहा है. और कल्टिवेशन, हमें अपना फूड उगाने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए, दैट गिविंग इज द एरिया, हमारा सोशल सिग्निफिकेंस के अंदर आता है. अब यही फॉरेस्ट को हम काट देते हैं तो द परमानेंटली रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है. अब इसके कि किस किस के वजह से हो रहा है, अब पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है इसके वजह से हो रहा है, राइट. अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करना होगा. अब एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करना होगा खाने के लिए, और खाने के लिए हमें एनिमल्स का भी ज़्यादा ज़रूरत होगा जिसके वजह से ओवर ग्रेजिंग होगी, राइट. लोग अब कैंपिंग के लिए भी तो जाते हैं, तो कैंपिंग में गए और मस्त एकदम खाना वाना पकाया और बाय चांस हमने आग उधर ही छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स हो गए. फॉरेस्ट फायर हो गया तो फॉरेस्ट फायर की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. नेक्स्ट है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, नतीजे. कॉन्सिक्वेंसेस को हम नतीजे बोलते हैं. तो नतीजे क्या हैं इसके, मैंने पहले ही बताया. अब अगर बेचारे सारा प्लांट काट दोगे, फॉरेस्ट ही काट दोगे, तो एनिमल्स या प्लांट का हमारा हैबिटेट, उनका होम ख़त्म हो जाएगा. तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज़ द मेजर कॉज. दूसरा सॉइल इरोशन, टेलिंग यू फ्रॉम द लास्ट टॉपिक, सॉइल इरोशन हो रहा है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से. और ऑक्सीजन की तो कमी हो ही जाएगी. अब अमेजोन को इतना ज़्यादा, अमेजोन फॉरेस्ट को इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया, विच इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ प्लानट. तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट है अब रेन, रेन हमारा कम आएगा. प्लांट्स और जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, उनकी स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, राइट. तो ये सब हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं फॉर द डिफॉरेस्टेशन. एंड द लास्ट टॉपिक इज ट्राइबल पीपल, लाइक इफेक्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर ट्राइब्स. ट्राइबल पीपल कौन से होते हैं, आदिवासी लोग. अब वो लोग को आपके साथ मिलकर अपना इंडस्ट्रियल, अपना डेवलपमेंट नहीं करना है उन्हें. वो लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहना है, तो जस्ट लेट देम बी, राइट. तो उनके भी बहुत सारे राइट्स हम गवर्नमेंट ने हमारे, ताकि उनकी जो कल्चर है, उनका जो सभ्यता, ये सब चीज़ें हैं वो कंजर्व रहे, ठीक है. लेट्स टर्न ऑन टू नेक्स्ट यूनिट विच इज़ बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज एंड सर्विसेज. What do we understand by biodiversity? Biodiversity. Bio मतलब living and diversity मतलब हमारा जो हो गया हमारा विभिन्नता. तो हमारा जो हमारा पूरे अर्थ में different type of animal and different type of plants पाए जाते हैं, that's called biodiversity. इतनी ज़्यादा diversity है, हर एक area में जाएंगे आपको हर एक different type of plant और animals मिलेंगे, right? तो that's called biodiversity. हम biodiversity को और अच्छे से समझने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल्स में बांटते हैं. तो वैसे ऊपर से अगर देखें तो दैट्स जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, पर हम उल्टा देखेंगे जिससे हम और अंडरस्टैंड कर पाएँ. इकोसिस्टम हमारा, हमने लास्ट चैप्टर, लास्ट ब्लॉक में पढ़ा था, देख लीजिएगा दोबारा. तो इकोसिस्टम में हमारा जो इट इज़ अ ज्योग्राफिकल एरिया, राइट. हमने बोला था एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे हमारा लिविंग एग्जिस्ट करता है, राइट. हम देखें तो इकोसिस्टम में ही हमारी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है. सो
फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर हिमालय साइड जाएंगे तो वहाँ अलग टाइप ऑफ एनिमल्स प्लांट्स मिलेंगे, हम डेजर्ट साइड जाएंगे तो वहाँ अलग मिलेंगे, ठीक है। तो इकोसिस्टम पे डिपेंड कर रहा है हमारा वेरिएशन, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना, राइट। फ्लोरा इज़ द प्लांट्स एंड फौना इज़ द एनिमल्स। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इज स्पीशीज। स्पीशीज़ अब एक ही एरिया में हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं हिमालयाज़ में ही देख रहे हैं या फिर कहीं भी देख लीजिए, कोई भी एक ही स्पेसिफिक रीज़न में ही कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ पाए जाते हैं, राइट। कोई यहीं हम देख लें अपने दिल्ली रीजन में डिफरेंट कुत्ते हैं, गाय है और आम का पेड़ है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, राइट। आम का पेड़ हो गया और ये अमरूद का पेड़ हो गया, गुड़हल हो गया, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी। एंड द लास्ट इज़ जेनेरिक बायोडाइवर्सिटी। इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे आजकल आम का सीज़न ही चल रहा है तो आम में ही कितने सारे वेरिएशन होते हैं, कि हमारा क्या होता है कि लंगड़ा होता है, हापुस होता है, दशहरी होता है और अल्फोंसो होता है, ये सारे तोता वाला भी कुछ होता है जो भी है, ये सारे डिफरेंट एक ही जीनस, एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है। तो इसको हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में बोलते हैं। या फिर हम चावल में ही देख लेते हैं, चावल में ही कितने ज़्यादा है, बासमती राइस, दिस राइस, दैट राइस, लाइक अराउंड 200 प्लस स्पीशीज़ ऑफ राइस वी हैव इन इंडिया, राइट। सॉरी स्पीशीज़ जीनस ऑफ, लाइक उसी के अंदर बासमती राइस के इतने ज़्यादा हमारे जेनेरिक बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिक जोन्स, बायो ज्योग्राफिक जोन। बायो मीन्स लिविंग, ज्योग्राफिक मतलब एरिया, ठीक है। हम बायो ज्योग्राफिक जोन्स को कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे हिमालयन रीजन हो गया या फिर डेजर्ट रीजन हो गया, हम कोई एक रीजन की बात करेंगे, वहीं पर हमें इतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलने देखने को मिल जाएंगे, बट उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमालय रीजन में देखें तो वहाँ पे इतनी कोल्ड पड़ती है तो हर एक ऑलमोस्ट हर एक एनिमल के ऊपर फर होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा हेयर होगा, ताकि वो एक्सट्रीम कोल्ड से बच सके। तो द एरिया इन विच मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड विच हैव लाइक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दैट्स कॉल्ड बायोजोग्राफिक जोन्स और रीजन्स। तो इंडिया में हमारे पास 10 बायोजोग्राफिक रीजन है, तो हमारा इंडिया इज़ वेरी लाइक बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारा शो करता है इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ हर कुछ सब कुछ है, लाइक कोस्टल एरियाज, लैंड लाइक लैंड एरियाज, हिमालयाज, माउंटेन रीजन्स एंड लाइक डेजर्ट रीजन्स, सब कुछ है हमारे पास, लाइक दैट्स वाई इंडिया शोज द मेजर लाइक बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो हम 10 रीजन्स में डिवाइड करते हैं अपने इंडिया को, जस्ट लेट्स गो। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांस हिमालयन रीजन, विच इज़ लाइक लद्दाख एरिया, ऊपर सबसे एकदम जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है, ठीक है। दीज आर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन। विल गो थ्रू दिस बहुत जल्दी जल्दी, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको बस पता कर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हिमालयन रीजन, जो हमारा एकदम ट्रांस हिमालयन के नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा दिस इज़ अ रिचेस्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ मिलती है, ठीक है। तो दीज आर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ हिमालयन रीजन्स। नेक्स्ट इज इंडियन डेजर्ट, विच इज़ द थार डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा फर वाले एनिमल्स नहीं मिलेंगे, ताकि ये लोग बियर कर सके हीट, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडियन डेजर्ट। फोर्थ इज सेमी एरिड, एरिड मतलब होता है ड्राई, तो सेमी मतलब आधा, कम ड्राई, लाइक डेजर्ट वाला तो था बहुत ज़्यादा ड्राई, तो सेमी एरिड मतलब कम ड्राई, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, दिस कंसिस्ट ऑफ 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री को अगर हम 100% बोलेंगे, जितना लैंड एरिया वी हैव 100%, तो उसमें से 15% ऑफ एरिया दिस सेमी एरिड रीजन लाइक कंस्टिट्यूट, राइट। नेक्स्ट इज द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स इट कंसिस्ट ऑफ 2/3 ऑफ द इंडियाज जितने भी एंडेमिक स्पीशीज होते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक जो कि नेटिव होते हैं उस वहाँ की, जो वहाँ ही पर ही पाई जाएगी, आपको और कहीं पाई नहीं जाएगी, वो अलग बात है आप लोग उठा के कहीं और लेकर गए हो, पर वो पाई वहीं जाती थी, ठीक है। हम लोगों ने जू और ये सब के पर्पज़ से हम लोग लेकर चले गए कहीं दूसरे कंट्री में, ये दैट्स डिफरेंट, बट वो नेटिव उसी जगह की है, तो दैट्स कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है, लाइक इट्स द 2/3 ऑफ द इंडियाज एंडेमिक स्पीशीज वहीं पाई जाती है हमारी।
इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, विल स्टडी इट लेटर. सिक्स्थ इज डेक्कन पेनिनसुला. दिस जोन कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, द गैंजेटिक प्लेन, मतलब जहाँ से गंगा लाइक वहाँ का जो सॉइल होता है, गंगा के पास के एरियाज का जो सॉइल होता है, वो गंगा उसको फर्टाइल कर देती है. दैट्स द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द होल इंडिया, लाइक बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. तो बस क्यों, गंगा की वजह से. ठीक है, तो गैंजेटिक प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया. दिस आर द फ्लोरा एंड द फौना. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट हैज़ द रिच बायोडाइवर्सिटी. हम लोग हमेशा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखते हैं बिकॉज दे कंजर्व रियली वेल. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे बहुत टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलते हैं. दैट्स द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी. एंड दे ऑल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, द नेटिव स्पीशीज, राइट. और आइलैंड्स में हमारे आ गए, इंडिया में आइलैंड्स कौन कौन से आते हैं, एक अंडमान निकोबार आता है और लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं, तो ये हमारे आइलैंड्स के अंदर आते हैं. और द कोस्ट, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो गोवा हो गया, जो हमारे ओशंस के पास हैं, गोवा, महाराष्ट्र, दिस एंड दैट. सो दीज आर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ कोस्टल रीजन. सो दीज वर द 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट मतलब कि वहाँ पर बहुत बुरा हाल हो रखा है, मतलब कि जो हमारी वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ पाई जा रही है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी एंडेंजर्ड होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है. तो दीज आर कंसिडर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पर वो एरिया में इतनी ज़्यादा डिफरेंट एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जा रही है, बट सबका बुरा हाल है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल द हैबिटेट लॉस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो इनकी वजह से वो लोग एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है. तो वी हैव टू प्रिजर्व देम. तो दीज आर कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. 34 हॉटस्पॉट जो है हमारे पूरा वर्ल्ड में है, और जिसमें से 4 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में हैं. तो कौन कौन से हैं 4 हॉटस्पॉट? द वेस्टर्न घाट, द हिमालयाज, द इंडो बर्मा रीजन्स, और ना लास्ट है संडरलैंड. तो इसके अंदर सारा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, इंडिया इज़ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री. इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड इवन द एरियाज, इवन द बायोजियोग्राफिकल जोन्स, राइट. अब बायोडाइवर्सिटी की क्यों ज़रूरत है, वाई डू वी, वॉट आर द इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी? वी गेट फूड, we have so many different type of animals which we can be proud of, right? Different type of endemic species we have. और हमें खाना तो मिलता है, और बहुत सारा timber या फिर लकड़ी या फिर हम जो भी चीज़ है, sofa बना रहे हैं, this बना रहे हैं, that बना रहे हैं लकड़ी से, या फिर जो भी चीज़ से rubber है, ये सब हमें किससे मिल रहा है? ये सब हमें मिल रहा है हमारी diversity, हमारे forest से मिल रहा है. तो ये सब इसी के अंडर आती है. और फॉरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम पूरा फंक्शन कर रहा है. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल इसके अंदर आती है. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. एंड द लास्ट चैप्टर इज़ यूनिट 7 विच इज़ एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ब्लॉग, जस्ट होल्ड ऑन टाइट, बस होने वाला है. वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई एनर्जी? एनर्जी ऊर्जा, हिंदी में ऊर्जा बोलेंगे. एनर्जी क्यों ज़रूरत होती है हमें? एनर्जी हमें सब चीज़ के लिए ज़रूरत होती है. एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. अब लाइट नहीं आती है थोड़ी देर के लिए, हमारा तो बुरा हाल हो जाता है ना, गर्मी में, इस गर्मी में तो बुरा हाल हो ही जाएगा. तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड सबकी चीज़ के लिए. अब एनर्जी नहीं होगी तो खाना कैसे, कहाँ से मिलेगा? ठीक है, खाना या फिर कोई भी सामान, फ्रिज, टीवी, ये सब कैसे आएगा? तो एनर्जी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अब तो एनर्जी ऐसा है कि अगर आपका जो एरिया है दैट शुड बी डेवलप्ड, इकोनॉमिकली डेवलपिंग, अगर आपका कंट्री डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो भी उसके लिए भी एनर्जी ज़रूरी है भाई. डेवलप्ड होना चाहिए, कोई एरिया डेवलप हो रहा है, लाइक मुंबई कितना ज़्यादा ही डेवलप हो रखा है, बैंगलोर, ये सब. तो हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारा जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो. किसके वजह से होगा, किसके? तो एनर्जी की वजह से हमारा डेवलपमेंट भी देखा जाता है, डेवलपमेंट भी होता है. तो एनर्जी को हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे यहाँ पे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. इट इज़ वेरी सिमिलर टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो यहाँ थोड़ा उल्टा है, कन्वेंशनल इज नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल इज रिन्यूएबल. तो हम देखते हैं, वो एनर्जी, कन्वेंशनल की बात करें तो वो एनर्जी जो दोबारा ना बन पाए उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी. ठीक है, और
दूसरा है हमारा नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो एनर्जी दोबारा बन जाए। तो कौन कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी और ये सब जो हमारी एनर्जी होती है, ये जो हमारी दोबारा बन जाती है, तो दैट्स कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। और जो नहीं बन पाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो अगर फॉसिल फ्यूल से आ रहा है या फिर पेट्रोल से आ रहा है, ये सब जो एनर्जी हमें इन सब से चीज़ों से मिलती है, तो ये दोबारा नहीं बन पाती है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी विच इज़ द रीन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे पहले हमने सोलर एनर्जी तो देख ही लिया, सोलर एनर्जी लाइक हम सन से, हमने सोलर प्लेट्स लगा दिए, सन ने एनर्जी कैप्चर किया और हमारा जो है किस में, बैटरी में आके वो एनर्जी केमिकल फॉर्म में स्टोर हो गया और फिर हमने वो यूज़ कर लिया, दैट्स द सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज बायोमास। अब कोई भी चीज़ जो हमारी ऑर्गेनिक है, उसको हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कचरा या फिर लकड़ी और ये सब जो चीज़ें जो इंडस्ट्रीज से हमें मिलती है, इंडस्ट्रीज से इसको हमने जला के जो एनर्जी लिया, जो वेस्ट था, ये याद रखना, बायोमास जो वेस्ट हो रहा था इंडस्ट्रीज या फिर घर में, हमने उसको जला के एनर्जी लिया, दैट्स कॉल्ड बायोमास एनर्जी। इसके अंदर हम इसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूल। फ्यूल जो हमारा कोल, पेट्रोल और ऑयल और ये सब जो है, ये सब फ्यूल के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा वेव और टाइडल एनर्जी। अब क्या करते हैं हम लोग, एक जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बैंक्स में हम लोग क्या करते हैं, एरियाज़ में हम टर्बाइंस लगा देते हैं, तो जैसे ही हमारा वेव या टाइड्स आते हैं तो फिर वो टर्बाइन घूमने लगता है और एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो दीज कम्स अंडर वेव्स एंड टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट इज जियोथर्मल। जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ और थर्मल मीन्स हीट, तो हीट फ्रॉम द अर्थ, तो हीट फ्रॉम द अर्थ इज़ कंसिडर्ड जियो थर्मल एनर्जी। जो हम क्या करते हैं, हॉट स्प्रिंग्स और ये सब चीज़ें होती हैं, हम इसका जो टर्बाइंस और ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, ये हम अर्थ के अंदर लगाते हैं। नॉट हर एक एरिया में हमारा जियो थर्मल एनर्जी कैन बी पॉसिबल, इन सम एरियाज इट इज़ पॉसिबल नियर वॉल्केनोज और समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं जिससे जो हीट होती है, वो हीट जो हमारी ऑलरेडी नेचुरल प्रोड्यूस हो रही होती है, उससे हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी। विंड एनर्जी, हम लोग बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ विंड बहुत तेज़ चलती है, हम लोग बहुत बड़े बड़े विंड मील्स लगा देते हैं ताकि उनके रोटेशन से वी प्रोड्यूस एनर्जी एंड देन वी स्टोर इट, तो दिस कंसिडर्स एज विंड एनर्जी। एंड द लास्ट इज बायोगैस एनर्जी, विच लाइक हम लोग हर एक जगह, हम लोग हर एक गाँव में हमें आराम से मिल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, मेजर जो चीज़ होती है वो होती है काउ डंग, मतलब गोबर। गोबर क्या होता है, गोबर में मीथेन होता है। जो हमारे गाय भैंस होते हैं, इनके पेट में ना एक मीथेनोजन करके बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी मीथेन बनाता है, मीथेन एक गैस होता है CH4, जो कि बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, जो बहुत तेज़ जलने वाली होती है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, डिकम्पोज होके बायोगैस बन के हम जारा काउडंग डाल दिया, तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, उससे हमारा गैस के चूल्हे जलेंगे या फिर लाइट भी चलती है। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग कन्वेंशनल विच इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है फॉसिल फ्यूल विच इज़ ऑयल, पेट्रोलियम, कोल, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बिकॉज इसका जो जो एरिया है, जो स्रोत है, वो फॉर फ्यू टाइम वी हैव इट, उसके बाद दिस विल डिग्रेड, ठीक है। इसके अंदर फिर एटॉमिक एनर्जी आता है, एटम्स के थ्रू जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स ऑल्सो कम्स अंडर नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी। और जो हमारा हाइड्रो पावर है, अब वाटर, जिस हिसाब से हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स डैम्स में और ये सब में, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो वाटर एक पॉइंट पे हमेशा रहेगा, तो इसीलिए हम हाइड्रो पावर को भी, हम लोग हाइड्रो एनर्जी को भी, हम वी आर कंसिडरिंग इट इन नॉन रिन्यूएबल। बहुत टाइम तक तो हम पहले रिन्यूएबल करते थे, बट नाउ आई गेस वी आर कंसिडरिंग इट इन नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरिंग कैपेसिटी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ पैसे कमाते हैं, ठीक है, आप अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 आप अर्न कर रहे हैं, तो आप लोग चार लोगों का फैमिली है, आपने उसमें आराम से हमारा खर्चा चल गया, बट पाँचवा एक इंसान आ गया तो वो खर्चा थोड़ा हिलडुल गया, तो मेरी सैलरी की कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ चार लोग थी,
तो कैरिंग कैपेसिटी जितना वो कैरी कर रहा है, वो कैपेसिटी उसकी जितनी कैरी कर पा रहा है। इसको रिसोर्सेज के फॉर्म में देखें तो अगर कोई कोल का एरिया है वो लाइक 10 साल तक एकदम सबको एकदम अच्छे से देगा, फिर कुछ 5 साल तक थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे करेगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उस स्टार्टिंग के 5 साल में ही इतना ले रहे हैं ड्यू टू भाई हमारा एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी बेचारी की थोड़ा एक पॉइंट के बाद हिल जा रही है। हम कैरिंग कैपेसिटी को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी एंड सोशल फिजिकल कैपेसिटी। तो बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि हमारा जो अर्थ है दैट कैन होल्ड, कि कितना रिसोर्सेज तक हमारा पॉपुलेशन को होल्ड कर सकता है, दैट्स कॉल्ड बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। और सोशल कैरिंग कैपेसिटी इज लाइक हम अपनी लिविंग और हेल्थ और ये सब को ध्यान रखते हुए लाइक हम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ कितने टाइम ऑफ रिसोर्सेज में कितने रिसोर्सेज में कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सोशल कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है, ताकि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, भाई कोई क्यों नहीं चाहेगा, कोई कंट्री क्यों नहीं चाहेगा कि वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाए, राइट? तो फॉर दिस थिंग एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो दिस कम्स अंडर एनर्जी डिमांड किसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्यूचर एनर्जी नीड्स एंड कंजर्वेशन, लाइक एनर्जी रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इफ वी सी, ठीक है? तो वी हैव टू कंजर्व इट ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोबारा देख लीजिए ब्लॉक 1 याद आ जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हमारा, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ताकि हमारा डेवलपमेंट तो हो बट हमारी फ्यूचर जनरेशन सफ़र ना करे। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम इन इंडिया। हम कैसे नॉन पोल्यूटिंग मतलब पोल्यूशन भी ना क्रिएट करें और एनर्जी भी क्रिएट हो जाए, कैसे कर सकते हैं हम लोग? वी हैव क्रिएटेड वेरी अमेजिंग चूल्हास, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ दैट चूल्हा, दिस लाइक इससे हमारा पोल्यूशन नहीं होता है, CO2 एक्स्ट्रा अमाउंट में बाहर नहीं निकलती है, ठीक है? नेक्स्ट इज सिटी सीवेज। अब सिटी सीवेज में हम बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्यों? क्योंकि वो मीथेन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हम वो एनर्जी, जैसे बायोगैस में मीथेन प्रोड्यूस हो रहा था, हम वो गैस लेकर वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी। नाइस सोल्यूशन, सीवेज का, सीवेज तो जा ही रहा है और अपना एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गया। दैट्स इट फॉर ब्लॉक 2, होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन, आई विल हेल्प यू। Thank you. Bye. And thanks to me, not sir. I taught you, right? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay. I hope कि आपको समझ आया होगा. I'm just trying to upload videos as much fast as I can. क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बनती है, एंड आई हैव टू एडिट इट एंड आई हैव टू कट इट बिकॉज देर आर सो मैनी रीटेक्स. सो दैट्स वाई इट टेक टाइम. बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं जल्दी अपलोड करूँ. वी विल मीट इन द ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4. बस इसको आपको सुनना है क्योंकि यू आर गोइंग टू हैव MCQ एग्जाम्स, है ना? सो इन दैट यू ओनली हैव टू लाइक जो आपको सही लग रहा है उस पर टिक लगाना है. आप जय माता दी भी कर सकते हैं, नो इशू. पर एक बार आपने वीडियो पूरे अच्छे से सुन लिए तो वहाँ पर जय माता दी लगाइए भी और जय माता दी भी करिए, जिससे कि आपको और भी अच्छा जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4. टिल देन bye bye, and do not forget to hit the subscribe button and like button, and please share it with your friends. Bye bye.